अब्बू हम आपके लिए कुछ मंगवाएं। अब्बू हम आपका गम समझते हैं, ऐसा दोस्त अल्लाह सिर्फ किस्मत वालों को ही देता है। हम चाहेंगे कि जब हम जहां अपना हमारा कहने का मतलब है कि जब आप हमें अपना राज सौंपेंगे तो हमारे पास भी कोई इतना ही वफादार, जिम्मेदार और साथ देने वाला दोस्त होना चाहिए। शहजादे, हम आपके साथ बाद में वक्त बिताएंगे। और खुर्रम, आपने जो जिम्मेदारी सौंपने वाली बात कही बेटा, उसमें अभी वक्त है, बहुत वक्त। जहांपनाह, आप अंग्रेजी कप्तान विलियम हॉकिंस एक बार दोबारा आपसे मुलाकात की दरख्वास्त भेजी। हमारे पास वक्त नहीं है महावत। वैसे भी उनसे मिलने से होगा क्या? आप तो जानते हैं कि हमने तिजारत की सारी ताकत पुर्तगालियों को दे दी है, हमारे हाथ बंधे हुए। जो हुकुम हुजूर, लेकिन हमारी राय में एक बार सुन तो लीजिए कि उनकी दरख्वास्त क्या है। महमद खान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बेचैनी की वजह क्या है, इसके बावजूद भी आप हमें कोई खबर नहीं दे रहे। जहां पर आप हरोनिसा का कोई पता नहीं चला है, और इस सिलसिले में आप कुछ कर रहे हैं या नहीं? अगर आपके लोग उन्हें ढूंढ के नहीं ला सकते तो हम खुद उन्हें ढूंढने निकल जाएंगे। जी, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पहला वार किसने किया होगा, कोका ने या अली खुली ने? जहांपनाह, इस चीज के बारे में सोच के क्या फायदा? लाडली को लेकर आओ, हम उन्हें रोकते हैं। रुकिए, खुदा के लिए रुक जाइए, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। भाईजान, खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। हमारी बात सुनिए, हमें आगरा जाना है, हमारी मदद कीजिए। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ इस बियाबान में क्या कर रही हो, और आगरा क्यों जाना चाहती हो? हमारा नाम मेहरुन्निसा है, हम मुगल सल्तनत के शाही खजानशी घियास बेग की बेटी हैं। अगर आप हमें हमारे अबू तक पहुंचा दें, वो आपको बहुत इनाम देंगे। देखिए, हमारे साथ ये दो बच्चे भी हैं, हम पर रहम कीजिए। इनाम के लिए आगरा तक का क्यों इंतजार करें, वो तो यहां भी मिल सकता है। क्यों, इनाम ले लें और फिर इसे मरने के लिए यहां छोड़ देंगे? और रही बात इन बच्चों की,
इन्हें बेच के कुछ पैसे बना लेंगे। हम जानते हैं आप इतने बुरे नहीं जितना खुद को दिखा रहे हैं। अल्लाह से डरिए, हमारी मदद कीजिए। घबराओ नहीं लड़की, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम यहां से जल्द ही बाहर निकलोगी। पापा, हमारे पास दो बिलखते बच्चे हैं, हमारी हिम्मत जवाब दे रही, कैसे उम्मीद रखे। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि तुम एक शहर में भटकती हुई पाई गई हो। पिछली बार भी तुम बच निकली थी। हाँ, हमारे अब्बू ने हमें जब हम बस कुछ ही दिन के थे। और आपको ये सब कैसे मालूम? इसकी मदद कर नादान, तुझे जन्नत नसीब होगी। नहीं जानता कि इसकी किस्मत में क्या क्या लिखा है। बाबा, इसकी किस्मत और जिंदगी दोनों एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। और अगर जिंदा बच भी गई तो कोई ना कोई इसे जश्न फरोशी के धंधे में झोंक देगा। खामोश, तू हमारे कहे पर शक करता है। तू जो अपने खानदान का सबसे बीमार और कमजोर बच्चा था, सब कहते थे तू 5 बरस की उम्र में गुजर जाएगा, मगर हमने कहा था कि तू जिंदा रहेगा और घर वालों को कर्ज से उबारेगा। गलत कहा था हमने। तुम्हारे बारे में हमने जो भी कहा, अगर वो सच नहीं तो बताइए। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें आगरा तक पहुंचा देंगे। चल। अस्सलाम वालेकुम। हमें सलाम नहीं कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम का मतलब समझती हैं आप? मतलब आपको हमारी खैरियत की फिक्र है, जो आपको बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्यों बेवजह लफ्ज का इस्तेमाल करें? कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान का घमंड कम हो जाता है और उसके चरित्र में थोड़ा बदलाव आ जाता है, परंतु आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने आपका हाल तो पूछा, वरना आपके पति की मृत्यु के बाद तो लोग आपकी तरफ पलट के देखते तक नहीं। हमारे औहदे का कुछ तो ख्याल कीजिए जगत बेगम। वही तो कर रहे हैं। भलाई इसी में है कि आप हमसे अपना संबंध बनाए रखिए। आप आशा बेगम को खुश रखिए, इससे पहले कि पूरी की पूरी सल्तनत आपको बुला दे। वैसे तुम्हारे अबू हमें तुम्हें आगरा पहुंचाने का इनाम तो देंगे ना? जी जरूर देंगे। वैसे आगरा पहुंचने में देर कितनी लगेगी? 5-6 घंटे तक पहुंच जाएंगे। घबराओ मत, हम तुम्हें कहीं और लेके नहीं जा रहे हैं। रुको रुको। सलाम। सलाम, क्या चाहिए? फिलहाल तो सिर्फ पानी की तलाश है। कमबख्त गोल गोल घूम रहे हैं, पर कहीं भी पानी का नाम और निशान दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके पास हो तो थोड़ा मिलेगा? घबराइए नहीं, ये खंजर तो जंगली जानवरों से बचने के लिए है। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, अकेला भी हूँ और प्यासा भी। ठीक है, पानी पी लो। शुक्रिया।
हमारी एक मदद और करोगे कि हमें थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो? बदले में हम तुम्हें कुछ मोहरे देंगे। ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन तुम यहां इस बीच जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? अब जिस बंदे ने हमें पानी पिलाया है उससे क्या झूठ बोलना। दरअसल हमारे घोड़े ने दम तोड़ दिया है और हम पिछले 2 हफ्ते से किसी को ढूंढ रहे हैं। इसे? किसी की खोज में, जिसने हमारे सरदार को मारा है। सरदार? कौन था तुम्हारा सरदार? फौजी और दरबारी थे। अली कुली का नाम सुना है आपने? उनकी बेगम को ढूंढ रहे हैं। उस औरत ने उनका कत्ल करवाया है। हिसाब बराबर करना है उनसे। खैर, तुमने किसी औरत को देखा है? उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। अरे वो रास्ते में इतने लोग दिखाई देते हैं, कोई कहां याद रहता है। वैसे इसमें क्या ले जा रहे? कुछ नहीं, बस वो सौदे का सामान है। क्या सामान है? कपड़े वगैरह हैं, वो सौदे का सामान। अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत दिखाई दे जिसके साथ 2 बच्चे हैं, तो हम आके सराय में ठहरे हुए, हमें पैगाम भिजवा देना। बदले में हम तुम्हें इनाम देंगे। कितना? चलिए वो भी तय। ये लो, और भी इनाम मिलेगा। चलो। सो गए क्या? नहीं, जाग रहे हैं। हुजूर, हुजूर, दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? ईसा? अपनी औलाद की मुश्किलों के बारे में सोचते ही दम घुटने लगता है। हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि हमारी ये दिन और रातें हमने कैसे काटी हैं। तेरी कहीं से कोई खबर नहीं थी निशा, और वहां तुम्हारा भाई कैद में। अब्बू, सजा मुकर्रर कर दी गई है क्या? अभी नहीं, लेकिन जल्द होने वाली है। आपकी अम्मी ने तो जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया। तो क्या करते? यहां सब कह रहे हैं कि हमें उसे भूल जाना चाहिए। अपनी औलाद को भूल जाऊं?
तो अल्लाह का शुक्र है कि तेरे लिए उसने हमारी दुआ कबूल की और तू घर आ गई सही सलामत। हम इनसे कह रहे थे कि जिस तरह बादशाह ने इन पर रहम किया है, निशा तू महमूद के लिए बादशाह से बात करेगी तो महमूद को वो बख्श देंगे। हम बादशाह से बात करेंगे लेकिन हमें कोई इल्म नहीं है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। अब्बू, जब तक हम बादशाह से मिल नहीं लेते किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लौट आए हैं। अम्मी, आपको क्या लगता है, क्या बादशाह हमसे मोहब्बत करते हैं? अरे ये कैसा सवाल है? वो हमारे साथ थोड़ी सख्ती से पेश आए। खुर्रम, तुम्हारे अब्बा इस वक्त बहुत उदास हैं। ऐसे टेढ़े मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, समझे? क्या है ये? देने वाले ने कुछ कहा नहीं। जगत बेगम बहुत नाखुश होने वाली है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसे हमें तो कितनी फिक्र हो रही थी, न जाने तुम किस हाल में हो। अरे बेगम, आपने किसी को बताया तो नहीं कि हम यहाँ हैं? बिल्कुल नहीं, पर ये बात हम ज्यादा देर छुपा नहीं पाएंगे। शेखू को तो बताना ही होगा, उनकी तो जान ही निकल रही होगी तुम्हारी फिक्र करते करते। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, आप हमें उनके पास ले जाएंगी ना? तोहफे की तरह? तोहफे की तरह। पर ये क्या तरीका हुआ तोहफा देने का? हिंदुस्तान के बादशाह को मिलने उनकी माशूका इस तरह जाएगी? खुदा के लिए ये बुरका उतार फेंको। आज हम खुद तुम्हें मलिकाए हुस्न बनाएंगे। हम चाहते हैं तुम्हें देखकर आज चांद भी शर्मा जाए। आओ हमारे साथ। महारानी सा, रुकैया बेगम ने आपको अभी के अभी अपने कमरे में आने का आदेश दिया है। हमें कोई आदेश नहीं दे सकता, कह दो कि हम व्यस्त हैं। महारानी सा, उनका कहना था कि उनके पास निशा के बारे में कोई खबर है। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही हो, कहीं तुम्हें हमारी नजर ना लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बेगम। बचपन से हमारे साथ हो, अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा कोई करता है क्या? हमने हमेशा आपको अपनी अम्मी माना है। अब जाओ सलीम के पास।
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।